बँकिंग मध्येही थोडीशी आपली डेव्हलपमेंट ही लॉप साइडेड आहे. देयर इज अ लॉप साइडेड डेव्हलपमेंट इन बँकिंग. आय वुड लाईक टू टेल यू दॅट लेट्स से मराठवाडा अकाउंट फॉर अराउंड 23% ऑफ द पॉप्युलेशन, बट इफ यू लुक ऍट द एंटायर बँकिंग नेटवर्क इन मराठवाडा, आय थिंक द ऍडव्हान्सेस, टोटल ऍडव्हान्सेस इन महाराष्ट्र, मराठवाडा वुड अकाउंट फॉर ओनली 4 or 5%, नॉट मोर दॅन दॅट. तर मला असं वाटतं, मुझे असं लागतं की हे जो लॉप साइडेड थोडासा मराठवाडा आहे, विदर्भ आहे, यहां पर हमको बैंकिंग का पेनिट्रेशन भी बढ़ाना पड़ेगा. यहां पर हमको विशेष रूप से, क्योंकि हमने देखा है कि जो समृद्ध होते जाते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है, तो हमारी समृद्धि आने के लिए हमारे यहां पर भी हमको ये नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा. और विशेष रूप से राव साहब ने जो बात कही कि किसानों के ऋण का जो विषय है, विशेषता यहां पर मेजर ऋण का जो बंटवारा होता है वो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के माध्यम से होता है, और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का रीफाइनेंसिंग ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको हमको थोड़ा देखना पड़ेगा. और उसके साथ साथ हमारी जो नेशनलाइज बैंक्स यहां पर जो ऋण देती है वहां पर थोड़ी सी उदासीनता दिखती है. देखिए, हम आपकी भी अड़चने निश्चित रूप से समझते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डाउन साइजिंग किया है. डाउन साइजिंग करने के बाद पहले एक बैंक के अगर आप ब्रांच में चले जाए तो बहुत लोग दिखते थे. अब आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया है तो बैंकों में 3 या 4 लोग कई जगह दिखते हैं, छोटी ब्रांच में लोग नहीं दिखते. और ये 1.5 महीने के काल में आपको कई 10,000 किसानों को सर्विसिंग करना है, कई 20,000 लोगों को करना है, तो आपके वहां के जो लोग हैं वो भी तंग आ जाते हैं. तो वो कहते हैं कि भाई ये न आए तो ज्यादा अच्छा है, तो कोई बहाने आप बना दो तो ये नहीं आए. तो कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करना पड़ेगा. आप इतने अच्छे इंटरफेसेस अभी बना रहे हो, फेसलेस बना रहे हो, किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप लोग नहीं बढ़ा सकते अभी टेक्नोलॉजी ही, बट टेक्नोलॉजिकली आपके लोगों को आप क्या सपोर्ट दे सकते हो ताकि ये जो 10,000 किसान है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में तो भी मैं लगातार मैंने SLBC में ये देखा है कि जो हम लोग ऋण देते हैं कृषकों को, उसमें नेशनलाइज बैंक के पीछे, नेशनलाइज बैंकों का जहां कवरेज हमने दिया हुआ है वहां पर ऋण नहीं मिल पा रहा है. तो उसको हम कैसे बढ़ा पाए, और उसका एक ही कारण है, प्रैक्टिकल रीजन है, मैंने ये खुद देखा है. क्योंकि देने की नियत नहीं, कि नियत 100% है, नेशनलाइज बैंकों की 100% नियत है, लेकिन वहां पर चूंकि स्टाफ नहीं है, लोग नहीं है, ऐसी सारी चीजों के कारण नहीं मिल पा रहा है. तो आज चूंकि हम लोगों ने इस विषय को छुआ था, आज ये हमारा मुख्य विषय नहीं था, फिर भी आप सारे बड़े लोग यहां पर हो, तो आपके भी ध्यान में मैं लाकर देना चाहता हूं कि हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा विचार करें, और इसको टेक्नोलॉजी कली हम कैसे हैंडल कर पाए इसका भी विचार हम लोग करें.